देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। मथुरा के भूतेश्वर तिराहे पर महंगाई के विरोध में चूल्हा जलाकर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और पेट्रोल डीजल और अन्य सामान पर बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया और तिराहे पर ही खाना बनाकर और गले में गैस के सिलेंडर लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा रसोई गैस और खाने पीने की चीजों पर बनाए गए दामों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और महंगाई का विरोध करते हुए लोकदल के कार्यकर्ताओं ने गले में सिलेंडर लटकाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया और केंद्र में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही रीति नीतियों का जमकर विरोध किया। मामले की जानकारी देते हुए लोकदल नेता तारा चंद गोस्वामी ने बताया कि दोनों सरकारों द्वारा बढ़ाए जा रहे आए दिन महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी तरह से महंगाई होती रही तो राष्ट्रीय लोकदल इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आई थी भाजपा सरकार, उस समय 450 रुपए सिलेंडर का रेट था। आज इस सरकार में 840 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। आटे का भाव 27 से 30 रुपए किलो, सरसों तेल का भाव 100 रुपए किलो, आलू का भाव 25 रुपए किलो, चीनी का भाव 40 रुपए किलो। महंगाई दिन पर दिन आसमान छू रही है। गरीब आज कैसे जो है 840 का सिलेंडर लेके खाना बनाएगा? तो हम ऐसी जगह पर आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं, ये ब्रजभूमि है, ये ब्रज है, यहाँ से रसखान ने और भगवान कृष्ण योगी ने एक संदेश दिया था, उसी के तहत हम महंगाई को लेकर के यहाँ पर चूल्हे पर महिलाएं खाना बना रही हैं, मिर्च से और नमक से रोटी खा रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महंगाई आज चरम सीमा पर है। दिन प्रतिदिन महंगाई का कोई भरोसा नहीं, अनुशासन नहीं, और यहाँ तक है कि ये लोग अपराध का तो कोई ठिकाना नहीं है। आप अपराध देख रहे हैं, क्या स्थिति हो चुकी है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है इन लोगों ने अंग्रेजों के काले कानून को यहाँ पर एक जागृत कर दिया है। आज हमने भूतेश्वर तिराहे पर ये जो गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि ये देखिए कि हम महिलाओं को रसोई का खर्चा चलाना पड़ता है, उसमें गैस इतनी 840 रुपए का सिलेंडर हो गया है, जबकि 840 रुपए कोई तो अपने बच्चों के लिए पूरे खर्चे के लिए नहीं कमा पाता। और महंगाई को रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे वो सरकार के विरोध में होते रहेंगे। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सैयद जाहिद की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।